हाय व्यूअर्स, हम कल ही हम ईटानगर से आया था। और ईटानगर से आने के बाद में, तेजू पे पहुंचने के बाद में, हमको किसी ने खबर किया है कि हाँ, एक महीना से अभी हवाई पे नेटवर्क नहीं आ रहा है बीएसएनएल का, और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसका वजह से। जैसे कोई तेजू पे किसी या फैमिली बीमार हो रहा है तो कांटेक्ट करने के लिए, हवाई पे खबर पहुँचने के लिए मुश्किल हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। तो ऐसे करके फेसबुक भी पोस्ट हर कोई ने किया होता, सब लोगों ने किया होता, तो उसी को देखिए आज हम एक वीडियो बनाएगा जिसपे मेरा जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट का जो एम मैडम है, लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है, एसपी सर है, मेरा ख्याल से सब हेडक्वार्टर जो है हवाई पे है, हवाई सरकार पे। तो मेरा ख्याल से हवाई सरकार पे ऐसा नहीं होना चाहता जिसकी वजह से पब्लिक पैनिक होते जा रहा है, और पैनिक काफ़ी सह रहा है वो लोग। तकरीबन एक महीना कुछ होने वाला है अभी। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि हाँ, हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है, एसपी सर है, एमएलए मैडम है, इन सबसे प्लीज़ आप लोग इसको जल्दी से ट्राई कीजिए, क्योंकि सबको पता है कि एयरटेल नेटवर्क आएगा आएगा बोल के अभी 3 साल तो ऐसे बीत गया, मगर एयरटेल का नेटवर्क आ ही नहीं रहा हवाई पे, एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा। और साथ ही में यहाँ बीएसएनएल का नेटवर्क है जो अभी एक महीना से गुम है, काफ़ी मुश्किल से बीएसएनएल नेटवर्क भी चलता है, मगर अभी एक महीना हो गया कि नेटवर्क एक ब्लिन हो चुका है। तो इसका वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आदमी को कुछ खबर पहुँचाना पड़ रहा है तो वो कहीं डीसी ऑफिस जाके, कहीं स्कूल पर जाके वाईफाई कनेक्ट करके वो मैसेज पहुँचा रहा है तेजू पे। तो ऐसे होने के कारण बहुत लोग पोस्ट किया हुआ था, तो इसलिए हम भी ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि हम ताकि रिक्वेस्ट कर सके मेरा प्रेस का दौरान मेरा जो व्यूवर्स है वो देख सके, और जो जो एम एल में जो लोग निचला जो काम करता था बीजेपी पार्टी, उन सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना एम एल में ये बात शेयर करिए कि हवाई का जो पब्लिक है उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, शायद उसको पता नहीं होता होगा। सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैडम को बताइएगा, डीसी को खबर कीजिएगा, और मेरा ख्याल से हम तो बस यही मेरा रिक्वेस्ट है कि हाँ, अंजुम भी जो हेड क्वार्टर है जो हवाई सरकार, वहाँ पे एयरटेल नेटवर्क होना चाहिए, एयरटेल नेट फास्ट होना चाहिए, ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है जबकि हेड क्वार्टर होते हुए। तो ये बड़ा ही अनडेवलपमेंट इसमें दिखाई मिलता है अंजाव की और तरफ। जैसे अभी हाईलैंड तक पहुँच चुका है एयरटेल नेटवर्क, तो हाईलैंड से हवाई पहुँचने कितना टाइम लगेगा, अभी अब तक 3 ईयर्स हो चुका है अभी भी नहीं आया। तो ये बड़ा ही सीरियस इशू है, और इसमें मेरा ख्याल से यहाँ जो अंजाव का जो पब्लिक है, जो आम जनता है, ये लोग आउट सोचना चाहिए। कोई लोग पोस्ट करता है दिग्निती जागरण क्या कर रहा है, अभी अन्नभूमि क्या कर रहा है, मिसनी बॉयज़ क्या कर रहा है, हम लोग क्या करेगा, हम लोग तो बस बना सकते हैं वीडियो, इसलिए हम ये बॉयज़ बना रहे हैं, मेरा तरफ से बॉयज़ छोड़ रहा है, हम बस यही कर सकते हैं। और हम कल ईटानगर से आया था, तो हम भी शायद ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम हवाई जाना चाहता है, मगर मेरा पास भी झूठ नहीं बोलेगा, मेरा पास भी पैसा नहीं है हवाई पहुंचने के लिए। हम कल ही ईटानगर से आया, खुद यहाँ कंगाल होके बैठा हुआ है, किसी को सपोर्ट करके आया था, और हम आज भी हम सपोर्ट करता है जो हवाई का पब्लिक है उन सबको, क्योंकि सबको पैनिक सहना पड़ रहा है, प्रॉब्लम सहना पड़ रहा है नेटवर्क नहीं होने के कारण से। तो मेरा यही दरखास्त है जो डीसी है, जो एमएलए मैडम है हवाई सरकार का अंजाव डिस्ट्रिक्ट का, रिक्वेस्ट आप लोग से प्लीज़ आप लोग इसको फटाफट सॉल्व कीजिए और नेटवर्क लाने के लिए जल्दी कोशिश कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, बस इतना ही है मेरा वीडियो।